गाइज, आज Redmi Note 12 सीरीज की फर्स्ट सेल थी जो कि यार Flipkart, Amazon और साथ में ऑफलाइन भी अवेलेबल थी। तो अगर मैं Flipkart या Amazon से ऑर्डर करवाता तो उसे एक या दो दिन लगते डिलीवर होने में और आपके लिए वीडियो लेट हो जाती। तो मैंने यार टाइम को बचाते हुए ऑफलाइन गया MI Home से Redmi Note 12, साथ में मैंने Redmi Note 12 Pro और साथ में Redmi Note 12 Pro Plus तीनों ही परचेज करके आ गया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसमें आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन में मुझे इन डिवाइसेस का क्या क्या प्राइसिंग पड़ा है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो में काफी इन्वेस्टमेंट लगी है, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए, और यार इन फोन्स पे आगे भी वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे यहाँ पे Redmi Note 12 5G को, और Redmi Note 12 5G की जो मुझे प्राइसिंग पड़ी है वो पड़ी है 18,000 साथ में यहाँ पे 1,500 का ICICI बैंक डिस्काउंट, तो मुझे 500 रुपीज की इसकी प्राइसिंग पड़ी है। साथ में आपको बता दूं Redmi Note 12 में यहाँ पे इस बार हमें देखने को मिलता है Snapdragon का 4th Gen 1 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो नॉर्मल यहाँ पे नंबर सीरीज है जैसे कि Redmi Note 12, इसमें हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले, और साथ में यहाँ पे 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, साथ में यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज, 33W की चार्जिंग, 5000mAh की बैटरी, साथ में 5GB इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे आप इसे अनबॉक्स करेंगे तो हम फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूं, तो सबसे पहले Redmi by Xiaomi का यहां पे आता है लिखा हुआ, और यहां से इसे हटाओगे तो यहां पे इसके अंदर देखते हैं क्या-क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये रिटेल यूनिट है, कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, और उसके अंदर देखते क्या है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यूजर गाइड के बाद आपको एक TPU केस देखने को मिलता है। तो TPU केस की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि कैसी है TPU केस की क्वालिटी, तो इसमें फटाफट से यहां से रिमूव कर लेता हूं। तो एक नॉर्मल क्वालिटी का TPU केस है जो कि 10-12 दिन बाद आपका पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मेन फोन, जो फोन जो हमने मंगाया वो मंगाया 4GB 128GB में, और इसको हमने मंगाया ब्लैक कलर में। तो देख सकते हो ब्लैक कलर का फोन है, मतलब मंगवाया नहीं है ये, मैं लेने गया था। तो ब्लैक कलर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, और पीछे उसका बैक है प्लास्टिक का है, तो कुछ इस टाइप का ब्लैक कलर देखने में मिलता है जो कि थोड़ा बहुत ग्रे और थोड़ा बहुत ब्लैक भी लगता है। और इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मिलता है 33W का चार्जर जो कि आपके फोन को तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे के आसपास में चार्ज कर देगा। वैसे इसका कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट भी मैं लेके आऊंगा। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है Type-A to Type-C की केबल जो कि आपको हर एक Xiaomi के फोन में देखने को मिलती है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। Redmi Note 12 के बाद हम अनबॉक्स कर लेते हैं Redmi Note 12 Pro को। तो इसकी पैकिंग Redmi Note 12 से काफी अच्छी है, और इसका बॉक्स भी यहाँ पे ब्लैक कलर का है। तो इसे मैं ध्यान से यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो कट करना भी इसमें मुश्किल है। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, और यहाँ से सबसे पहले इसकी हमारी जो प्लास्टिक है वो भी हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो फटाफट से मैं इसकी प्लास्टिक भी रिमूव कर लेता हूँ। प्लास्टिक को रिमूव करने के बाद यहाँ पे Redmi Note 12 Pro के यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स मेंशनड है, जैसे कि 50MP का सोनी IMX766 सेंसर, प्लस 16MP यहाँ पे फ्रंट कैमरा, डॉल्बी एटमॉस, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, HDR10+, गोरिल्ला ग्लास 5, 5G रेडी, और यहाँ पे MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर यूज़ करा गया है, और साथ में यहाँ पे 10 5G बैंड सपोर्टेड है, तो बिल्कुल 5G रेडी है, और साथ में 67W का चार्जर और 5000mAh की बैटरी एंड IP53 वाटर रेजिस्टेंट। तो इसे फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। मेरे हाथ में काफी स्वेटिंग आती है, उसलिए आपको काफी स्वेटिंग भी दिख रही होगी। तो अब बॉक्स को रखते हैं यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा डिजाइन बाय Xiaomi का एक कवर। तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस वाले बॉक्स को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल, साथ में आपको देखने को मिलेगा एक यूजर गाइड, और साथ में आपको देखने को मिलेगा एक TPU केस। और मेरे ख्याल से जो TPU केस की क्वालिटी है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे Redmi Note 12 वाली देखने को मिलती है, कुछ खास TPU केस यहाँ पे Redmi Note 12 Pro में भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फोन, तो फोन को हम एक बार निकालते हैं, और जब तक मैं इसे निकाल रहा हूँ आपको इसकी प्राइसिंग बताता हूँ। इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है 6+128GB वाले वर्जन की, और ब्लू कलर में मैंने लिया है, और ये बिल्कुल मैट फिनिश में है। ये वाला जो कलर है ब्लू कलर बिल्कुल मैट फिनिश में आता है, इसी वजह से मैंने मैट फिनिश वाला कलर लिया है। और इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है 25,000 माइनस 3,000 कार्ड डिस्काउंट, तो ICICI बैंक का मुझे यहाँ पे 3,000 रुपीज का ऑफ मिला है, और मुझे 22,000 का पड़ गया। और फ्रंट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, साथ में यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल यहाँ पे इन्होंने एक फिल्म यहाँ पे लगवा रखी है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में टॉप साइड पे आपको देखने को मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक, एयर ब्लास्टर, सेकेंडरी स्पीकर, साथ में यहाँ भी एक स्पीकर है, और ये बिल्कुल फ्लैट साइड्स है, और ग्लास बैक का यहाँ पे यूज करा गया है, कोई भी प्लास्टिक बैक नहीं है। काफी लोगों को कंफ्यूजन थी ये ग्लास बैक की प्लास्टिक, तो ये बिल्कुल ग्लास बैक है। और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की आगे तो प्रोटेक्शन है, पीछे की प्रोटेक्शन का Xiaomi ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उसके बाद फोन को रखते हैं साइड में और अंदर चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे
पे एक 67 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करा गया है। पहले जो 67 वॉट का चार्जर आता था उसका डिज़ाइन कुछ अलग था, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही मोटा लग रहा है। और साथ में 67 वॉट यहाँ पे बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, डिजाइन बाय शाओमी। और साथ में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे केबल जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल, जो कि हर एक शाओमी फोन में हमें देखने को मिलती है और एक काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में रेडमी नोट 12 प्रो प्लस, जो कि 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 120 वॉट चार्जिंग के साथ आता है, और ये 8+256 GB वाला वर्जन है। उसकी जो मुझे प्राइसिंग पड़ी है वो पड़ी है 30,000 - 3,000 ICICI का कार्ड डिस्काउंट, मतलब 27,000 रुपीज़ में 8+256 वाला वर्जन मुझे मिला है। और इससे 12 GB वाला वर्जन भी आता है, जो कि इससे 3,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये महंगा है। और साथ में इसमें 120 वॉट चार्जिंग, डॉल्बी एटमॉस, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें देखते हैं इसके बाद में इसका कैमरा टेस्ट भी करेंगे कि इसका कैमरा 200 मेगापिक्सल तो लिखा हुआ है पर कितना अच्छा है वो भी आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले इसकी पैकिंग जो है इसे मैं रिमूव कर लेता हूं। और इस फोन में भी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर देखने को मिलता है, सेम यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज में सेम टू सेम वही डिस्प्ले इसमें भी है, सेम टू सेम वही प्रोसेसर है। और यहाँ पे 10 5G बैंड्स है। और साथ में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसमें आपको देखने को मिलता है वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ में 120 वॉट की चार्जिंग है। और इसकी जो बैटरी है वो 4980 mAh, मतलब 5000 mAh से सिर्फ 20 mAh कम। और साथ में इसमें भी IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। तो फटाफट इसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं यार इसका लुक हमें कैसा देखने को मिलता है। तो इसको रखते हैं साइड में, डिजाइन बाय शाओमी करके आया है यहां भी, तो इसे भी जब आप अनबॉक्स करोगे तो आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि उन दोनों में आपको देखने को मिला था, जैसे कि सिम इजेक्टर टूल और यहां पे यूजर गाइड और साथ में यहां पे केस। और केस जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको रेडमी नोट 12 प्रो और रेडमी नोट 12 में देखने को मिलता है। तो यार मुझे लगा था कि यार कम से कम प्रो प्लस में यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस देना चाहिए था, पर ऐसा शाओमी ने बिल्कुल भी नहीं किया है। उसके बाद मेन आता है फोन यहां पे, तो फोन को फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे भी मैंने ब्लू कलर में मंगवाया है, तो ब्लू कलर वाला ये काफी अच्छा देखने में तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्लू कलर में मैट फिनिश आ रहा था। तो हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो काफी प्रीमियम आ रहा है। एक तो इसमें यहाँ पे ग्लास बैक है और साथ में यहाँ पे मेटल का यूज करा गया है। जो आप कैमरा हाउसिंग देख रहे हो ये पूरा मेटल का, ये जो पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का है ये पूरा मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्लैट साइड्स है, पर यहाँ पे जो प्रो प्लस है उसके अंदर ये बिल्कुल कर्व साइड्स है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको फ्लैट वाली साइड्स पसंद है या फिर कर्व साइड पसंद है। तो मुझे तो यार पर्सनली जो मेन मुझे अच्छा लगता है वो यहाँ पे कर्व साइड वाला अच्छा लगता है, क्योंकि कर्व साइड वाले की जो ग्रिप बनती है वो हाथ में काफी अच्छी लगती है और इन हैंड फील भी कर्व साइड वाले की काफी अच्छी निकल के आती है। और साथ में यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक है और बिल्कुल जो सारी चीजें बिल्कुल नोट 12 प्रो की तरह, नीचे देखो ऊपर देखो बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिकल है दोनों फोन, बस यहाँ पे कर्व्ड और यहाँ पे फ्लैट है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा और अल्ट्रा वाइड और मैक्रो और साथ में फ्रंट कैमरा तीनों के तीनों सेम है। और यहाँ पे भी यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करा गया है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। और साथ में बॉक्स के अंदर आप देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर इसमें काफी मेजर चीज है जो कि 120 वॉट का चार्जर। तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इनबिल्ट 120 वॉट का चार्जर, जो कि काफी बड़ा चार्जर है, काफी हैवी चार्जर भी है। और साथ में आपको देखने को मिलता है टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो यार यही सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। फटाफट से इन तीनों ही फोन को ऑन करके देखते हैं। तो यार मैं यहाँ पे सेटअप पेज पे था तीनों ही फोन के, और यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग आती है आपके लास्ट में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ये मैं आपको बताया था, लोकेशन को आपको ऑफ कर देना है, सेंड यूजेज डाटा इसको भी ऑफ कर देना है, पर्सनलाइज्ड ऐड इसे भी ऑफ कर देना है क्योंकि इसके कारण आपको फोन में एड्स देखने को मिलते हैं, ग्लैंस फॉर MI इसे भी बंद कर देना है क्योंकि इसके कारण भी आपको जब आप अपना फोन लॉक रखते हो तो आपको एड्स देखने को मिलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को भी बंद कर सकते हो और अपडेट ऐप ऑटोमेटिकली इसको भी आप बंद कर सकते हो। तो इसमें जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलते हैं इन सभी को आपको हर एक फोन में जितने भी MI के फोन है आपको जब भी आप अपना फोन सेटअप करते हो तो आपको इसको बंद करके रखना है। इन तीनों ही फोन में मुझे एक मेजर प्रॉब्लम लगी कि यार इसमें एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी अभी भी जो रेडमी वाले हैं वो अभी भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज कर रहे हैं। तो यार मेरे हिसाब से कम इस प्राइस पॉइंट में यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करना चाहिए था। वैसे यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। गाइस तीनों ही फोन सेटअप हो चुके हैं, एक बार मैं आपको तीनों की सेटिंग में जाके दिखाता हूं। तीनों की सेटिंग में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं अबाउट फोन में जाके। तो तीनों ही फोन अभी यहां पे MIUI 13 के साथ आते हैं, एंड्रॉइड वर्जन तीनों में ही अभी आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 13 अभी किसी में भी देखने को नहीं मिलता, तो ये काफी बेकार बात है। कम से कम यार एंड्रॉइड 13 तो देना चाहिए था। और इसके बाद आपको दो अपडेट्स और मेजर देखने को मिलेंगे जो कि होगा एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 का, और साथ 4 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो यार देख तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको इन तीनों ही फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, पर ये आपको थोड़ा स्लो जिटरी फील हो रहा होगा, ये थोड़ा फास्ट हो रहा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पे अनलॉक करके नहीं दे रखा, सिंपली आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाना
करना है, डिस्प्ले में जाके आपको रिफ्रेश रेट में यहाँ पे 120 कर देना है, तो ये भी आपका काफ़ी स्मूथ चलने लगेगा। देख सकते हो अभी ये भी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो इसका जो सिंपली आपको रिफ्रेश रेट है वो जाके यहाँ पे डिफॉल्ट से आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ करना पड़ेगा। पर इसका जो डिस्प्ले है इसके अंदर यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेट है रिफ्रेश रेट, इसको आप चाहो तो डिफॉल्ट रख सकते हो, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपना रिफ्रेश रेट चेक करेंगे ये दोनों, या तो आप चाहे कस्टम पे जाके इसको 120 कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा कस्टम पे जाके 120 रखता हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट चाहिए होता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट रखा करो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी वीडियोस आने वाली है, कैमरा टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, सारी वीडियोस आएगी, तो वीडियो का वेट जरूर से करना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।